नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सेज इफ ओवर ब्रिज इज कॉन्केव इंस्टेड ऑफ बींग कॉन्वेक्स देन द थ्रस्ट ऑन द रोड एट द लोएस्ट पोरिशन विल बी एम ऑप्शन है अपने एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर एम वी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर जी बाई आर वी स्क्वायर जी बाई आर नाउ इसको अगर देखेंगे तो स्नैरियो ये है कि यह आपकी प्लेन सड़क uh, इसको ऑनलाइन स्नैरियो देखेंगे तो ये मान लीजिए आपकी प्लेन सड़क या आपका ओवरब्रिज जो कि आपका कॉन्वेक्स है उसके अलावा मान लीजिए आपकी प्लेन सड़क ऐसे है कि आपकी सड़क ऐसे जा रही है ना इस जगह पर हमसे बात कर रहे हैं कि मान लीजिए आपकी कार है जो वी वेलोसिटी से जा रही है तो यहाँ पे आपका आ, नीचे तो एम फोर्स लग रहा होगा और ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा हमें बताना है कि इस नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी थ्रस्ट ऑन द रोड एट द लोएस्ट पोजिशन इक्वल एंड अपोजिट ये नॉर्मल फोर्स यहाँ पे लगाएंगे एन की वैल्यू हमें बतानी है नाउ इस केस में अगर हम देखेंगे तो ये अपना सर्कुलर मोशन है और यहाँ कहीं पे आपका सेंटर है और ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस केस में हम सेंट्रीपिटल एक्सोलेशन को हम लिख सकते हैं सिग्मा नेट इज इक्वल टू एम ए सी के वे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो एफ नेट जो आएगा जो आपका टूअर्ड सेंटर लग रहा है वो होएगा नॉर्मल फोर्स माइनस एम जी दिस विल be इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर वेयर वी स्क्वायर बाय आर आपका ए सी हो गया विच implies जो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है दैट विल बी इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर आपका नॉर्मल फोर्स uh, हो जाएगा जो आपके रोड ने uh, कार पे लगाया है या कार ने रोड के ऊपर लगाया है ठीक है सो दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर वन एम जी प्लस एम वी स्क्वायर आर एम स्क्वायर बाय आर वुड बी द राइट आंसर